पाकिस्तान में पार्टी और लाडला बन गया, ये कब तक इस तरह के इल्जाम, इस तरह की बातें चलती रहेंगी? पहले पीपल्स पार्टी इमरान खान के लिए ये बात करती थी और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ के लिए यही बातें कर रही है, और आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लाडले बन गए? लेकिन अभी एक इंतजाम पर पार्टी पे जरदारी साहब ने कहा ना कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम तो मैंने बनवाया लेकिन शहबाज शरीफ तो डिलीवर नहीं कर सके। और दूसरी बात, हाशमी साहब आप क्या चाहते हैं कि मतलब पूरी फील्ड पे आप ही हुक्मरानी करें, तो ये बाकियों का क्या होगा सर, फिर ये कहां पे जाएंगे? नहीं, बात सारी है कि जो बिलावल साहब, जो जरदारी साहब ने कहा, तो क्या जरदारी साहब अगर उनके पास इख्तियार होता ना वजीर आजम बनाने का, तो वो शायद अपने साहबजादे भी बनवा देता, हम पे ये मेहरबानी ना करते। इसको लेवल प्लेइंग फील्ड करते हैं, हम कहते हैं हमें फील्ड तो दे दो, लेवल हम खुद कर लेंगे। पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आपने देखा तरफ से सीधी गोलियां मारी गई, पूरे के 90 डेज की बजाय मुहतरमा शहीद हुई थी, उसके बावजूद एक महीना से डिले हुआ। आज ये इलेक्शन अगर होता है तो 13 महीने बाद होगा। पार्टियों को इजाजत है सिवाय पीटीआई के, मसेरा में करने की कोशिश की, सबको उठा लिया। बात और बताइए कि पीपल्स पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है, सर आपको जलसे करने की आजादी है, आपको इंतखाबी मुहिम चलाने की आजादी है, आपको मीडिया पे आके आजादी से बात करने की आजादी है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो फिर कौन सी कमी है सर जो आप समझते हैं कि रह गई है और वो पूरी होनी चाहिए? नूनी कहती है एक तरफ आप कहते हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। सर पाकिस्तान का एक कमिश्नर किस हैसियत से एक शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों में सजा होता है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये सच्चा है, मगर अदालतों में तो सजा होता है, वो किस हैसियत से उसे मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इलेक्शन नज़दीक आते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग के मुखालिफ हो गई। कल तक ये सारी पार्टियां सिर्फ इमरान खान के खिलाफ थी, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही है और कह रहे हैं कि नून लीग को मुकम्मल सहूलतकारी मिल रही है, जबकि पीटीआई जो कि इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनका कहना है कि हमें सिर्फ फील्ड में उतरने की इजाज़त दी जाए, लेवल हम खुद ही कर लेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मदोखेल ने नून लीगी निहाल हाशमी को ऐसी खरी खरी सुनाई के मजा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इलेक्शन की आमद है लेकिन ना उनको अपने किसी बयानिए की टेंशन है और ना ही किसी मंशूर की फिक्र। अगर कोई टेंशन और फिक्र है तो वो है लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने की, और इस वक्त हर सियासी जमात ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए निगरान वजीर आजम को खत लिख दिया है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि सबसे पहले तो उसको सिंध की हुकूमत मिलने की गारंटी दी जाए और इसके बाद पंजाब की फील्ड को भी उनके लिए इतना लेवल कर दिया जाए कि बिलावल भुट्टो पहली बार वजीर आजम हाउस तक बगैर किसी रुकावट के दौड़ सकें। नून लीग के बारे में कहा जा रहा है कि उसको तो न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा चुकी है बल्कि सिर्फ उन्हीं को दी गई है। नून लीग के लिए तराजू के पलड़े बराबर ही नहीं बल्कि पूरा तराजू ही उनके हवाले कर दिया गया है। अब नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि उनको वो स्टेटस दिया जाए जो 2018 में पीटीआई के पास था, उनके मुखालिफिन को जेलों में ही रखा जाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ कर दिए जाएं और फिर आंख खुले तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम हाउस में नजर आए। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके पास फिलहाल ना कोई फील्ड है और ना ही वो लेवल है। पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि उसके चेयरमैन को जेल से आजादी मिल जाए, उनके सारे मफरूर और अंडरग्राउंड रहनुमा मैदान में आ जाएं, उनको दोबारा लाडले का स्टेटस मिल जाए और वो दूसरी मरतबा इक्तदार इंजॉय कर सकें। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू अहम भी है और इलेक्शन के लिए जरूरी भी, लेकिन सवाल ये है कि हर कोई सिर्फ अपने ही लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांग रहा है और ये किससे मांगी जा रही है, और क्या अपने अपने लिए हमवार सियासी मैदान के मुताबिक के बजाय ये सब मिलकर किसी ऐसी फील्ड पर इत्तेफाक कर सकते हैं जिसमें हर किसी को दौड़ की आजादी भी हो? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, कुछ और इशूज को भी शामिल करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से हमारे साथ निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें कादर मदोखेल साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और स्पोक्स पर्सन है शुएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और निहाल हाशमी साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको पता है इस वक्त हर जगह बड़ी बात हो रही है और सादा से अल्फाज में अगर बात की जाए तो मतलब ये कि तमाम लोगों को यकसा मौके मिले, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है सर कि किसी के पास पूरी फील्ड है, किसी के पास आधी फील्ड है और किसी के पास तो फील्ड ही नहीं है। तो निहाल हाशमी साहब, ये किस किस्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो तो होगा इंशाल्लाह ताला और वो पाकिस्तान के आवाम करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया आज़ाद है, लोग अपने पैगाम हर तरफ पहुँचा रहे हैं। जमातें उठा रही हैं और देखिए कहा यह जा रहा है कि जो माजी का लाडला है वो पिछले लाडले की जगह अब नया लाडला बन गया है और तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उन्हीं के पास है। तो सर, ये पहले पीटीआई कह रही थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही एतराज उठा रही है, उनको भी यही शिकवा है, तो एक जमात मुतमईन है, बाकियों को शिकायत है, तो सवाल तो उठेंगे ना? नहीं, शिकायत तो हमें भी माजी में रहा है, शिकायत आज भी हमें है, हमें भी बहुत सारी शिकायत है, माजी में भी था, आज भी बहुत सारी है कि अगर आप कुछ किए बगैर, सुन तो लेना, आज अभी इलेक्शन का इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं आया, अब सुन लेना, लेविंग प्लेइंग ग्राउंड उसको कहते हैं, फिर बेहतर जानते हैं ये मंदुखेल साहब कि जब कराची की हल्का बंदी की गई तो जिस अंदाज में सूबाई गवर्नमेंट ने उसको मेटलाइज किया है कि शहरी इलाके को टुकड़े टुकड़े करके दही इलाके में शामिल कर दिया गया, कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया गया,
तो बहुत ही ऐसी चीजें जो हम भी बयान कर सकते हैं। अभी तो इलेक्शन के शेड्यूल का आगाज नहीं हुआ है, अभी डिलिमिटेशंस पे बात हो रही है। अभी अगर आप कहते हैं कि जनाब 11 प्लेइंग ग्राउंड है, तो फिर ये तो फिर नाचने ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। अभी बात बहुत आगे जानी है, अभी बात ये इल्जाम लगाने का सियासत हमारे यहाँ से खत्म होना चाहिए। हमें अपनी हमें यही बात तो समझ रहे हैं, हम भी गए इलेक्शन कमीशन, नहीं पीटीआई आपकी फर्स्ट ऑपोजिशन है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी 16 माह गवर्नमेंट में आपके साथ रही है, तहादी रही है। सर ये क्यों इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्यों आपके ख्याल में कह रहे हैं कि हमें ऐसा मौके या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? आज आपने सुना हो तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं से ये किंग्स पार्टी आ जाती है, और वो कह रहे हैं कि 2018 की तरह हम इसका खात्मा कर देंगे इस दफा 2008 की तरह। तो वह हमसे क्यों देखे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिलावल साहब ने कुछ ना कुछ तो बोलना है ना। बिलावल साहब हमारे साथ 16 महीने रहे, उस वक्त इनको अच्छे लगे शहबाज शरीफ साहब, शहबाज स्पीड का नाम लेते थे, वो चाहते थे शहबाज शरीफ साहब सिंध के जो मामला थे वो भी इसी तेजी से चलाएं। अब वो जब चलाने आ रहे हैं तो इनको इतराजात हो रहे हैं। पहले वो कहते थे शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम होना चाहिए, स्पीड से चीजें चलाएं, अब वो जब स्पीड से चीजें चलाना चाहते हो तो इतराजात हो रहे हैं। लेकिन अभी एक इंतजाम पर पार्टी पे जरदारी साहब ने कहा ना कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम तो मैंने बनवाया, लेकिन शहबाज शरीफ तो डिलीवर नहीं कर सके। और दूसरी बात निहाल हाशमी साहब, आप क्या चाहते हैं कि मतलब पूरी फील्ड पे आप ही हुक्मरानी करें, तो ये बाकियों का क्या होगा सर, फिर ये कहां पे जाएंगे? नहीं बात सारी है कि जो बिलावल साहब जो जरदारी साहब ने कहा, तो क्या जरदारी साहब अगर उनके पास इख्तियार होता ना वजीर आजम बनाने का, तो वो शायद अपने साहबजादे को बनवा देते, हम पे ये मेहरबानी ना करते। हाँ आशमी साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपको कोई खलाई मखलूक तो नजर नहीं आ रही, कहीं दिखाई तो नहीं दे रही? अगर हमें खलाई मखलूक जहां जहां जब जब दिखाई देगी आपको यकीन जाने हम जरूर बताएंगे। मैं उनमें से एक आदमी हूं, मैं आपको बताऊंगा कि ये खलाई मखलूक अभी तो नहीं रहता है। मंदो खेल साहब, सर ये एक बात बताइए, अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर तो बात करते ही हैं, लेकिन सर ये कब तक पाकिस्तान में पार्टी और लाडला बन गया, ये कब तक इस तरह के इल्जाम या इस तरह की बातें चलती रहेंगी? पहले पीपल्स पार्टी इमरान खान के लिए ये बात करती थी, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ के लिए यही बातें कर रही है, और आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लाडले बन गए? लाडला नहीं है, सुपर लाडला है। ओहो सुपर लाडला, मैं इसमें से कह रहा हूँ कि निहाल हाशमी साहब ने बड़ी लंबी चुड़ी आपको घुमाने की कोशिश की है, और वो ये कहता है कि सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। भाई इन्हीं चीज़ों से तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान का एक कमिश्नर किस हैसियत से एक शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों में सजा याफ्ता है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये सच्चा है, मगर अदालतों में तो सजा याफ्ता है, वो किस हैसियत से उसे मिल रहा है? नादरा की टीम किस हैसियत से एयरपोर्ट पे उसे अंगूठे लगवा रहे हैं, और फिर पंजाब का लाहौर का एक डीआईजी जिसकी वर्दी उतारने चाहिए, वो एक शख्स को जो पाकिस्तान की अदालतों में सजा याफ्ता है किस हिस्से से उसको मार रहा है, और फिर उसके बाद एक शख्स जो अभी इसकी सजा खत्म नहीं हुई है और वो लंदन में जाके बैठ के ये फरमा रहे हैं कि मैं लिख के देता हूँ चौथी मरतबा वजीर आजम बनूंगा। तो और फिर उसके बाद गवर्नर ऑफ पंजाब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, तमाम अदारों के सरबराह अपनी लगाना, निगरान हुकूमत अपनी बनाना, 8 वजीर अपने प्रिंसिपल से। मैंने सवाल किया लाडले, आपने कहा सुपर लाडले हैं, तो फिर लाड तो पूरे होंगे ना, तो फिर क्यों शिकायत कर रहे हैं आप, और क्या लगता है यही कुछ होने जा रहा है फिर? अब देखिए मैं तो आपको सबूत और दलाल के साथ बात करूं, क्योंकि निहाल हाशमी साहब भी वकील है, शुएब चांस भी है, मैं तो वही सोशल मीडिया उसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उन्हीं अदालतों का हवाला दे रहा हूं। पाकिस्तान के 77 साल, अंग्रेज के 100 साल, 177 साल, ये दोनों वकील है। मुझे बता दें कि नवाज शरीफ साहब को 4 साल बाद और पिछली मरतबा 6 साल बाद उनकी अपीलें सुनी जा रही है, या तो हमारी जूते घिस जाते हैं, लाइब्रेरी सर पे उठा लेते हैं, मैलाड मैलाड करते करते हमारी जबान तक जाती है, 2 दिन लेट है, सॉरी टाइम बाट, तो ये कौन सा टाइम है जो 4 साल भी बात हुआ? ये आप लड़ेगा इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन एक बात और बताइए कि पीपल्स पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है, सर आपको जलसे करने की आजादी है, आपको इंतखाबी मुहिम चलाने की आजादी है, आपको मीडिया पे आके आजादी से बात करने की आजादी है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो फिर कौन सी कमी है सर जो आप समझते हैं कि रह गई है और वो पूरी होने चाहिए? नून लीग कहती है, एक तरफ आप कहते हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। सर आप समझना नहीं चाह रही है या सारी बातें मेरी जबानी कहलवाना चाह रहे हैं? आप बताइए, वाह पार्टी जो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में शमूलियत की है, रात और रात नून लीग में क्यों शमूलियत की है? पंजाब में जहां पर जरदारी साहब बैठे हुए थे और पीटीआई के लोग जो हमारे अपने थे, किसी दौर में वो पीटीआई में चले गए, वापस अपने घर आ रहे थे, तो आईपीपी खड़ा कर दिए है मुस्लिम लीग नून ने, तो हम तो ये बातें सारे कर रहे हैं। सनाउल्लाह ज़हरी और कादर बलोच पार्टी में शामिल हुए थे, ये पार्टियों में तो लोग शामिल होते हैं, नून लीग कह रही है रोना धोना छोड़ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी करें, तो राणा सनाउल्लाह भी तो हमारा था जो नून लीग में चला गया, राणा सनाउल्लाह भी तो हमारा था, उसकी बात आप नहीं करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चाहिए सर? क्या इमरान खान को रिहा कर दें? क्या उनके तमाम मुकदमा जो हैं वो खत्म कर दिए जाएं? सर करप्शन से लेके दहशतगर्दी तक हर किस्म के जो मुकदमा आपके कारकुनान पे या रहनुमाओं पे हैं उनको खत्म कर दिया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए, या 2018 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जहां पे सिर्फ आप ही आप हो? देखें भारत साहब भी जो है ना बातें वो कर जाती हैं बहुत तेजी में, जो मेरा ख्याल है
समझना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बात समझाएं। 2018 में मुझे बताएं कितने पीएमएलएनके या किसी पार्टी के उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद या अली नवाज अवान, आमिर डोगर या पता नहीं किस किस का नाम लें, कितने इनके उठा के मीडिया हाउसेस पहुंचाए थे, कितने अदालतों ने 20-20 दफा जमानतें दी हूं और एग्जीक्यूटिव कहती है हम अदालतों को नहीं मानते, जो दिल करे कर ले, एग्जीक्यूटिव कहे 15 दफा जमानतें मिल गई कोई बात नहीं हम नहीं मानते नहीं छोड़ेंगे, कितने इस तरह के इनके बंदे थे, परवेज इलाही हो, कितनी खवातीन हूं जिनकी जमानतें अदालत दे दे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, चार दफा, पांच दफा, जो कि खवातीन का काबिल जमानत उनका स्पेशल लॉ है और एग्जैक्ट कहे हम नहीं छोड़ते, अदालतों ने जो करना है कर ले, कि 90 डेज की बजाय मोहतरमा शहीद हुई थी उसके बावजूद ही एक महीना इलेक्शन डिले हुआ जी। आज ये इलेक्शन अगर होता है तो 13 महीने बाद होगा। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कितने जलसे थे जो पीएमएलएन को करने की इजाजत नहीं मिली थी, और हमारे साथ जो हो रहा है उसको तफसील में बाद में बताता हूँ। ठीक सर, वो कहते हैं आर्टिकल 254 है ना कि अगर कोई काम करे रहा वक्त में नहीं भी होता तो फिर भी वो आईनी हो जाता है ना बाद में। देखे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस के बगैर आप एक दिन भी आगे नहीं लेके जा सकते, खुदा ना खास्ता उसकी जंग की हालत है। सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस नहीं है, हल्का मर्दम शुमारी, ये भी तो तकाजा है आईन का। अच्छा मुझे बताएं केपी और पंजाब में, पंजाब में क्या मर्दम शुमारी हो रही थी, कौन सी डिलिमिटेशन हो रही थी, फंड नहीं थे, फंड नहीं थे ना गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराने के लिए, सिक्योरिटी के भी इश्यूज थे। आप जरा मेरे फ्लो को ना तोड़े, मेरी बात को मुकम्मल होने दें। जी जी, मुझे ये बताएं कि हमने क्या तोड़ना है, वो वैसे ही टूटा हुआ है। देखे कितने जलसे थे जो इनके ऊपर तशद्दुद करके उनको उठा लिया गया हो, पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मकामात पे हमने जलसों की इजाजत मांगी, एक जगह इजाजत नहीं मिली, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद वहां लाहौर में आपने देखा एक दिन पहले एक इश्तिहारी मुजरिम कर रहा है वो उनको अलाउ है, चलें जी ठीक है आपने उनको अलाउ कर दिया, ये बुनियादी हुकूक हर एक के बराबर हो गए। भाई जो हम कर रहे हैं, जो हमारे कारकुन निकले हैं, सबको उठा लिया, बंद कर दिया, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। हम कहते हैं हमें फील्ड तो दे दो, लेवल हम खुद कर लेंगे। पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आपने देखा करप्ट में सीधी गोलियां मारी गई, पूरे पार्टियों को इजाजत है सिवाय पीटीआई के, मसेरा में करने की कोशिश की, सबको उठा लिया। देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पिछले 16 माह से हुकूमत का हिस्सा रही, आज नून लीग के कैसे मुखालिफ बन रही है, कैसे ये आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पारस जानदेव ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान पीपल्स का पार्टी को जलसा करने की इजाजत है, इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, किसी कारकुन को उठाया नहीं जा रहा, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है, जबकि हकीकत तो यह है कि इस टाइम सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनको फील्ड में उतरने की इजाज़त भी नहीं मिल रही। जो ही कोई जलसा या कोई कॉर्नर मीटिंग करते हैं तो उनके वर्कर्स को उठा लिया जाता है और इनके खिलाफ FIR काट दी जाती है। नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल पाएगी या नहीं, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।